मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और विदिशा सीट से बीजेपी उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान ने नामांकन दाखिल कर दिया है। उन्होंने कहा कि भाग्यशाली हूं कि पीएम मोदी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुझे एक बार फिर विदिशा से लोगों की सेवा करने का मौका दिया है। बचपन से ही मैंने जनता की सेवा के लिए संघर्ष किया और सांसद और मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने विदिशा के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बरसात से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विदिशा लोकसभा से उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान जी लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में 30 में बाहर के अंदर रहने वाला देश का भी समझे लोकसभा चुनाव के लिहाज से 6 सीटों पर वोटिंग भी हो रही है। शिवराज सिंह चौहान जी को आप सुन रहे थे और बता दें आपको कह रहे हैं कि और बेहतर रिजल्ट होने वाला है। मध्य प्रदेश में 29 सीटें बीजेपी जीतने वाली है। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ प्रशांत कटारे, न्यूज 18 भोपाल।